हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं एटीएम मशीन प्रोग्राम जावा में। ठीक है, तो हमने पब्लिक क्लास बनाया हुआ है एटीएम एग्जांपल नाम से। ठीक है, तो हम इसमें लेंगे मेन मेथड। मेन मेथड में हम इनपुट के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जनरली इनपुट हमें जावा में दो तीन तरीके से लिया जा सकता है, जो कि कमांड लाइन आर्गुमेंट भी कमांड लाइन आर्गुमेंट से भी है, बफर रीडर क्लास से भी है और स्कैनर क्लास से भी। ठीक है, जो जो अलग अलग ऑप्शन ऑप्शन जो है इनपुट लेने के लिए, उसके अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, जैसे कि बफर रीडर जो रहता है क्लास, उसके लिए हमें मल्टीपल पैकेजेस इंपोर्ट करने पड़े, मल्टीपल यूटिल के पैकेजेस हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो स्कैनर क्लास का एक एडवांटेजेस ये है कि हमें एक ही इंपोर्ट लाइन इंपोर्ट करनी पड़ती है यूटिल की, जो कि है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, तो जब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ऊपर हमें इंपोर्ट में ऑटोमेटिक वो यूटिल का इनपुट पैकेज इम्पोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो हम स्कैनर सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, जब हमने ये स्टेटमेंट लिखा तो ऊपर देखिए अपने आप इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर जो पैकेज है, यूटिल का जो पैकेज है, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें अब हम वेरिएबल्स डिफाइन करने वाले हैं। जो जो वेरिएबल क्या रहेंगे, जो हमारे ऑपरेशंस हैं वही हमारे वेरिएबल रहेंगे, जैसे कि डिपॉजिट है, विथड्रॉ है, बैलेंस है, वही हमारे वेरिएबल्स रहने वाले हैं। ठीक है, इंट बैलेंस हमें बैलेंस पहले से ही डिफाइन कर देते हैं, जो कि हम दस समझो हमारे अकाउंट में पहले से ही 10,000 बैलेंस है समझो। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट वेरिएबल रहेगा डिपॉजिट। ठीक है, और एक वेरिएबल रहेगा हमारा विथड्रॉ। ठीक है, अभी हम यूज़ करने वाले हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्यों यूज करने वाले, वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, व्हाइल लूप, व्हाइल ट्रू, जब हमारी ये कंडीशन ट्रू रहेंगी तब हमारा लूप चलता रहेगा। क्या क्या कंडीशन रहेगी, तो हम इसमें यूजर को चॉइस पूछने वाले यूजर की। ठीक है, तो यूजर की चॉइस पूछने के लिए उनको ऑप्शन भी देना पड़ता है ना, तो हम उनको स्क्रीन पर ऑप्शन डिस्प्ले करेंगे बाई यूजिंग प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स। हाउ वी विल सी जस्ट लाइक हियर हम डालेंगे यूज वन फॉर डिपॉजिट। नेक्स्ट ऑप्शन देंगे हम यूजर को चूज टू फॉर विथड्रॉ। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देंगे हम यूजर को चूज थ्री फॉर बैलेंस, सॉरी बैलेंस इंक्वायरी। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन देंगे हम
चूज और एग्जिट। जब आपके ऑपरेशन खत्म हो जाएंगे तब आपको एग्जिट करने के लिए चौथा ऑप्शन काम में आएगा, ठीक है। तो और एक हम इसमें प्रिंट का स्टेटमेंट डालने वाले हैं, जो हम यूज़र को कहेंगे आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज़ कीजिए, ठीक है। चूज़ करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है। ये हो गए हमारे चॉइसेस, ठीक है। तो ये चॉइस जो है हमें इसका इनपुट भी लेना पड़ेगा ना, तो हम चॉइस का इनपुट लेंगे, जैसे कि एक वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर भी करेंगे और जो चॉइस है उनको जगह भी दे देंगे मेमोरी में, ठीक है। कैसे, जैसे कि इन चॉइस इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट का, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट का यूज़ क्यों करना चाहते हैं हम, इसे डिफाइन करने के लिए हमें बताना पड़ेगा। समझो हमने एक ऑपरेशन चूज़ किया है, जैसे कि वन, क्या है वन ऑपरेशन, फॉर डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट हम जो हमने वन चूज़ किया डिपॉजिट के लिए, हमने पैसे भी डिपॉजिट किए और हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो जब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तब हमें इस लूप से बाहर पड़ने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि स्विच और ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करके, ठीक है। तो स्विच क्या स्विच करेंगे हम इसमें, आपकी चॉइस स्विच करेंगे, ठीक है। चॉइस, ठीक है। तो हम इसमें फर्स्ट केस लिखने जा रहे हैं, तो फर्स्ट केस क्या रहेगा, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट रहेगा, हाँ केस फर्स्ट है क्या, जो है पैसे डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है। तो हमें यूज़र से पूछना चाहिए कि आप कितने पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यूज़र से पूछेंगे कि एंटर अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट, ठीक है। जब यूज़र हमें वो अमाउंट बता देगा तो हम उस अमाउंट को जो टेम्पररी स्टोर करेंगे हमारे डिपॉजिट नाम के वेरिएबल में, ठीक है। डिपॉजिट इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब मेन हमारा लॉजिक लाइन क्या है, हमें ऑपरेशन कौन सा करने का है, डिपॉजिट, ठीक है। तो डिपॉजिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो पहले का बैलेंस है उसमें नया जो बैलेंस ऐड होने वाला है उसे हम अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस, जो पुराना वाला बैलेंस है उसमें आप ऐड कर दीजिए जो कि है डिपॉजिट, ठीक है, जो कि यूज़र ने डिफाइन किया है, यूज़र ने हमें दिया है, ठीक है। अपडेट हो जाने के बाद हम यूज़र को बताएंगे ना क्या है, क्या बताएंगे हम यूज़र को कि आपका अपडेट बैलेंस हो के इतना इतना आपका करंट बैलेंस है, ठीक है। तो हम यूज़र को ये बात बताने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे, योर अपडेटेड बैलेंस इज प्लस बैलेंस
तो ये यूज़र को मालूम हो गया कि आपका बैलेंस अपडेट हो चुका है और आपका करंट बैलेंस जो है इतना है, ठीक है। तो हमें एक इसमें एक एम्प्टी लाइन छोड़ देनी है स्पेस के लिए, ठीक है। तो हमें इस केस फर्स्ट से बाहर निकालना है अभी, तो हम यूज़ करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करके हम इस केस से बाहर निकलेंगे। तो हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट केस, ठीक है। केस जो कि रहेगा केस सेकंड, और केस सेकंड है क्या? हमारा केस सेकंड है मनी विड्रॉल के लिए, ठीक है, पैसे एटीएम से पैसे बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो हम यूज़र से सेम वे से यूज़र से हम पूछने वाले कि बाबा आप कितने पैसे निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसमें पूछेंगे इंटर अमाउंट टू विथड्रॉ, ठीक है। जो यूज़र हमें इंफॉर्मेशन जो इनपुट देने वाला है कि बाबा इतनी इतनी अमाउंट हमें विड्रॉ करने के हैं, तो हम इसको टेम्प्ररी स्टोर करेंगे हमारे विड्रॉ नाम के वेरिएबल में, जो कि रहेगा विड्रॉ इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब हमारा लॉजिक क्या है, हमारा ऑपरेशन क्या है? सेम वे से है, कैसे? हमें समझो हमें डिपॉजिट करना है या हमें विड्रॉ करना है, हमें करना तो एक ही पड़ता है जो कि हमारा बैलेंस अपडेट करना पड़ता है, ठीक है, कि बाबा आपका इतना बैलेंस आ गया है और ऐड होना है, ठीक है, क्योंकि बाबा आपका इतना बैलेंस कम हो गया है और उसको डिडक्ट करना है, ठीक है। तो हमें बैलेंस अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस विथड्रॉ, ठीक है। तो अब एक परेशानी है हमें, ठीक है, क्या परेशानी है समझो। अगर आपके अकाउंट में 10,000 है और आपने विड्रॉ करने के लिए अर्जी डाली है 20,000 की, ठीक है, तो इस केस में हमें ये जो विड्रॉ जो हमारा प्रोसीजर है तो कैसे कंप्लीट होगा कि बाबा आपके अकाउंट में 10,000 है, आपने 20,000 विड्रॉल के लिए ऑप्शन डाल दिया है, तो क्या बोलेगा हमें? इनसफिशियंट बैलेंस बोल देगा ना एटीएम। तो अगर हम ऐसे ही स्टेटमेंट डालेंगे तो उधर क्या होगा कि बाबा हमारे ये जो है गलत हो जाएगा, कि बाबा हम ये स्टेटमेंट डाल के क्या करेंगे, हम बैंकिंग कोर बैंकिंग सिस्टम को ही बाईपास करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे अकाउंट में 0 ही बैलेंस रहेगा तो हम जितना विड्रॉल के लिए ऑप्शन डालेंगे उतना पैसा आता ही रहेगा, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट हमें क्या लिखना पड़ेगा इफ एल्स स्टेटमेंट में हमें? तो समझो इफ इफ स्टेटमेंट में हमें डालेंगे इफ बैलेंस, बैलेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बैलेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू विथड्रॉ, ठीक है। देन एग्जीक्यूट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस विथड्रॉ, ठीक है। देन ओनली एग्जीक्यूट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस विथड्रॉ, else else say to customer why what you will be say insufficient funds, ठीक है, insufficient funds, okay, इनसफिशियंट फंड्स बोल के जो है हमें कस्टमर को बताना पड़ेगा, तब जाके हमारा बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम बाईपास नहीं रहेगा, नहीं होगा, ठीक है। तो अभी ये जो है हमारा ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है,
एल्स का, ठीक है। तो हम जब आप हम बैलेंस अपडेट किए हैं तो हम इसको बताना पड़ेगा ना यूज़र को, हमने बाबा आपका बैलेंस अपडेट किया है। तो इसके लिए हम भी हम स्टेटमेंट डालना डालना पड़ेगा हमें कि बाबा योर अपडेटेड डेटेड बैलेंस इज प्लस बैलेंस, ठीक है। योर अपडेटेड बैलेंस इज प्लस बैलेंस, ठीक है। तो ये हमारा विड्रॉल कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के बाद अपडेटेड बैलेंस जो है प्लस बैलेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केस टू, ठीक है। तो हम केस टू से बाहर निकलने के लिए और सेम वे से बाहर निकलेंगे जो कि है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, केस थ्री। केस थ्री रहेगा, केस थ्री है क्या, केस थ्री है बैलेंस इंक्वायरी के लिए, ठीक है। बैलेंस इंक्वायरी के लिए है, तो अभी हम जैसे कि विड्रॉल के लिए और डिपॉजिट के लिए हमने यूज़र से पूछा था कि वो आप कितना बैलेंस निकालना चाहते हो या कितना बैलेंस आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे नहीं पूछ सकते, जब हमें यूज़र प्रेस करेगा थ्री हमें चुपचाप उसका बैलेंस जो है आपको दिखाना पड़ेगा ना, उसको कुछ हम दूसरा बोल नहीं सकते। इसके लिए हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट डालने का है प्रिंट के लिए, और यहाँ पे हमें उसको डिस्प्ले करने का है, योर अकाउंट बैलेंस इज प्लस बैलेंस, ठीक है। योर अकाउंट बैलेंस इज प्लस बैलेंस, ठीक है। जो कि हमारा जो ये सब प्रोसीजर करके जो हमारा रिमेनिंग लास्ट अपडेटेड बैलेंस जो है यहाँ पे हमें दिखा देगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे हमें एक एम्प्टी लाइन्स छोड़नी की छो छोड़ना छोड़नी पड़ेगी स्पेस के लिए, और हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा जो कि यूज़ करके ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी एक एम्प्टी लाइन्स छोड़नी पड़ती है, हमने नहीं छोड़ी है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है ठीक है, छोड़ दिया हमने अभी। तो अगला हमारा केस रहेगा, लास्ट केस है जो कि रहेगा केस फोर, ठीक है। केस फोर, तो केस फोर है क्या, सिंपल है, एग्जिट है। तो हम डायरेक्ट एग्जिट करेंगे, जब वो फोर दबाएगा तो हमारा सिस्टम एग्जिट करेगा, ठीक है। सिस्टम डॉट एग्जिट, उसका स्टेटस रहेगा जीरो, ठीक है। कुछ भी वो फॉर्म नहीं करने हैं हमें, डायरेक्ट एग्जिट करने का है, तो इसके लिए हमें स्टेटस डालना पड़ता है जीरो, ठीक है। तो ये रहा, ये हो गया हमारा कंप्लीट जो हमारा एटीएम के लिए जो प्रोग्राम है वो रेडी है। अब हम उसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इसको देखेंगे रन करके, यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। तो एक बार रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, समझो हमने एक दबाया है जो कि है हमारा डिपॉजिट, ठीक है। नहीं, हम पहले चेक करेंगे हमारा बैलेंस है कितना, ठीक है। तो हम तीन दबा के बैलेंस चेक करेंगे, तो ये देखो योर अकाउंट बैलेंस इज, दिखा रहे हैं ना, योर अकाउंट बैलेंस इज 10,000, ठीक है। तो अब हम हमें क्या करना है, समझो हमें 12,000 और ऐड करने हैं, ठीक है। तो हम डिपॉजिट करने के लिए ऑप्शन क्या है, वन, ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट, हमें अमाउंट डालना है 12,000, ठीक है। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारा बैलेंस अपडेट हुआ है, योर अपडेटेड बैलेंस इज पहले का 10,000, बी डाले सो 12,000,
ठीक है, टोटल 22,000 अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं पूरा, कितना पूरा 22 हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो निकालने के लिए हमारा हमें ऑप्शन क्या है, सेकंड चूज सेकंड। ठीक है, तो एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, विड्रॉल के लिए हम डालने वाले हैं 22,000। अभी हमारे अकाउंट में 22,000 आ गए हैं ना, तो हम उसको निकालने वाले। ठीक है, हम तो निकाल दिए। अभी हमारा अपडेटेड बैलेंस जो है 0 है। कैसे देखो, हमारा लास्ट अपडेटेड बैलेंस क्या था, हमारा लास्ट अपडेटेड बैलेंस था 22,000 और हमने यहाँ पे 22,000 निकाल भी लिए, तो हमें बचा क्या हमारे अकाउंट में 0। ठीक है, तो ये है हमारा एटीएम मशीन के लिए प्रोग्राम। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड थैंक यू। ठीक।